फैटी लीवर होने की हालत में जे तुसी अपना विटामिन डी का जो एनटेक है उसनू वधा देंदे हो ता तुहाडा फैटी लीवर का जल्दी ठीक होना संभव हो जाता है। इस तों इलावा जे तुसी धुप विच काम करते हो जिवें कि अजकल पंजाब विच धुप पै रही है अते खेतां विच जदों तुसी काम करते हो तो कोशिश करो कि तुहाडे शरीर उपर ज़्यादा तो ज़्यादा अंगा उपर धुप लगे अते जे तुसी थोड़े समय लई अते सुबह अते शाम ही धुप विच काम करना तो कोशिश करो कि सिर्फ नीकर विच ही धुप विच काम करो। इस नाल ना सिर्फ तुहानू विटामिन डी मिलेगा सगों इस दे नाल तुहानू तुहाडे शरीर विच तुहाडे मसल नू पंप करन वाली एक बहुत ही जबरदस्त चीज़ जिसनू नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कहा जाता है वह भी तुहानू फ्री विच प्राप्त हो जाएगी। तो तुसी जिस दिन भी जिम जाना हो उदाहरण के तौर पर तुसी दोपहर नू जिम जाना अते सुबह 8 तो लैके तुसी 10 जां 11 बजे तक खेत विच काम कर रहे हो धुप विच काम कर रहे हो अते फिलहाल उन्नी धुप विच जिन्नी तुसी सह सको तो कोशिश करो कि सिर्फ नीकर विच ही धुप विच काम करो। इस तरह एक दो घंटे चाहे अद्धा घंटा ही धुप विच काम करन ते तुहाडे शरीर विच विटामिन डी की मात्रा वध जाएगी तुहाडे शरीर विच नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा वध जाएगी अते इस नाइट्रिक ऑक्साइड के वधन ते तुहाडियां जो नाड़ां वो डायलेट हो जाणगियां फैल जाणगियां अते तुहाडे पूरे शरीर के पूरे अंगां विच जो ब्लड फ्लो आ वध जाएगा। तो अजिही स्थिति विच तुहाडे शरीर विच टेस्टोस्टीरोन शिखर उपर पहुँच जाएगा। जे तुहाडा हाजमा तेज आ तुहाडी खुराक सही आ तुसी चंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो यकीन मनो धुप विच इस हालत विच काम करन ते तुहाडा टेस्टोस्टीरोन इन्ना हाई होगा कि तुसी भी हैरान हो जाओगे अते एक दो घंटे धुप विच काम करन तो बाद थोड़ा आराम करन तो बाद जदों तुसी दुपहर नू जां शाम नू जिम जाओगे तां उत्थे जिन्ना तुसी वजन चकोगे उस उपर तुहानू खुद यकीन नहीं होगा क्योंकि तुहाडे जो पूरे शरीर विच जो ब्लड फ्लो है जो खून की सप्लाई है वह वध गई है तुहाडा जो टेस्टोस्टीरोन वह भी हाई हो गया अते तुहाडे उस दिन तुहाडे जो मसल है वह ज़्यादा पंप करनगे। हाँ जे इस तो भी जल्दी तुसी नतीजे लेना चाहते हो धुप की मदद नाल तां कोशिश करो कि वार्म अप होने तो बाद अपने वर्क सैट लई वजन नू रॉड विच लोड करन तो बाद तुसी कुछ समय लई धुप विच खड़े हो जाओ अते सिर्फ नीकर पहनो अते थोड़ी थोड़ी देर बाद घूमते रहो ताँ कि तुहाडे शरीर के हर हिस्से उपर धुप पवे तो तुसी देखोगे कि तुहाडियां जो नाड़ां वह फुल गई तो यह जो नाड़ा का फुलना जदों तुहाडे शरीर उपर तुहानू थोड़ियां नाड़ां फुलियां लगन तो उस वक्त तुसी जिम जाके तुरंत अपना वर्क सैट लाओ तो तुसी देखोगे कि पिछली बार जिस वजन नाल तुहाडे तो 5 या 6 रैप्स लगे इस बार 7, 8 या 9 रैप्स बहुत ही आसानी नाल लाउण विच तुसी कामयाब हो जाओगे। तो मेरी इस दसी गई तकनीक नूं परखण लई कि यह सचमुच काम करती है जां नहीं मैं तुहानू एक होर छोटा जिहा तजर्बा दसदा। तो तुसी वार्म अप होण तों बाद जिस दिन तुसी बाइसैप जां ट्राइसैप दे मसल नूं ट्रेन करना उस दिन वार्म अप होण तों बाद अपना जो वजन आ तुसी चकना उस नूं तैयार करन तों बाद कुछ समय लई धुप विच खड़े होवो सिर्फ अद्धे शरीर उपर ही धुप लगन दिओ सिर्फ एक बांह उपर ही धुप लगन दिओ 5 या 10 मिनट एक बांह उपर जदों तुहाडे धुप पैंदी रहेगी तां तुसी देखोगे कि जिस बांह उपर तुहाडे धुप पै रही सी उस उपर जो नाड़ां वह बहुत ही उभर के उपर आ जांदियां अते जिस बांह उपर
ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਂ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਾੜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਉਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲਵਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧੁੱਪ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਪ ਮਸਲ ਦੇ ਪੰਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।